अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुनव्वर हुसैन बुखारी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MHB। जनाब कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हम सब को दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। जनाब कैसे हैं? आज मौसम कैसा है कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो आज मेरी जो वीडियो है इसका टॉपिक है सुस्ती और काहली से निजात कैसे पाएँ। तो मेरे भाई, सुस्ती और काहली ऐसी एक मर्जी समझ लें है कि अगर नशा करने वाला वो माशरे से कट जाता है, लेकिन सुस्त और काहिल बंदा जो है वो माशरे में रहकर माशरे के लिए वबाल बना हुआ होता है। तो ऐसे छुटकारा कैसे पाया जाए? तो मैं आपको बताता हूँ कि सुस्ती और काहली से छुटकारा पाने के लिए कुछ टिप्स हैं, तो आप इन पे अमल करें तो इंशाल्लाह सुस्ती और काहली से निजात मिल जाएगी। तो आप ऐसा करें, जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपना बिस्तर लपेट लिया करें, आप अपनी चार पे उठा कर दूसरी जगह पर रख लिया करें। छोटे छोटे काम, अगर घर में छोटे छोटे चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उनको सेट करना शुरू कर दें, एक जगह से दूसरी जगह पर उसे सेट करें। यानी कि अगर उन चीज़ों को तब्दील करके इधर उधर रखना है तो ये कोशिश करनी चाहिए, इधर उधर रखें, कोशिश करें कि इधर उधर उनको तब्दील करके रखें, क्योंकि ऐसे आपका माइंड जो है वो चेंज होगा। तो चीज़ें तब्दील करने से थोड़ा सा ख्याल तब्दील हो जाता है, सोच तब्दील हो जाती है कि ये काम करना है। आप 10 से 15 दिन ये करके देखें कि चीज़ों को इधर उधर रखें और छोटे छोटे काम जो हैं वो करना शुरू कर दें। अगर आप घर में मवेशी हैं तो उन्हें खोल कर जो है दरख्त के साए में बांध दें, या उन्हें किसी वक्त पानी पिला दें, या अगर आप मवेशी नहीं हैं कोई और काम करते हैं तो उसे थोड़ा थोड़ा यानी कि करना शुरू कर दें। तो ऐसे आपकी आदत भी बन जाएगी काम करने की और सुस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं, इन्हें अगर बंदा आजमा कर देख ले तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये आपके लिए वीडियो है, तो आप मेहरबानी किया करें मेरे इस चैनल MHB को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी किया करें। आपसे मुझे उम्मीद है कि आप मेरी अपील ज़रूर सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।